इंडिया अलायंस को टेंशन दे रही मायावती की मुस्लिम 11 टीम भाजपा की इन सीटों पर बड़ी धुकधुकी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है और इसके साथ ही ज्यादातर पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी लगभग घोषित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भले ही सीधा मुकाबला भाजपा और इंडिया अलायंस में शामिल सपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत राज्य की तमाम सीटों पर बसपा भी एक फैक्टर बन रही है और इसका नुकसान सीधे तौर पर विपक्षी अलायंस को हो सकता है। अब तक बसपा ने 4 सूचियां जारी की हैं जिनमें 46 कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। इनका विश्लेषण करें तो कुछ सीटों पर भाजपा की चिंता बढ़ती है, जैसे मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और संजीव बालियान का खेल बिगाड़ सकते हैं। यहां सपा ने हरेंद्र मलिक को उतारा है जो मजबूती से जाट वोटों पर दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा ठाकुरों की नाराजगी के चलते सरगना में चीजें उतना पक्ष में नहीं दिखती। इन सबके बीच दारा सिंह प्रजापति ओबीसी समाज के एक बड़े हिस्से को काट पाए तो संजीव बालियान की स्थिति कमजोर हो सकती है। इसके अलावा बसपा ने जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया है और सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। इसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। हालांकि इसके अलावा सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, आंवला, पीलीभीत समेत कन्नौज और लखनऊ तक की सीटों पर बसपा का असर इंडिया अलायंस पर ही विपरीत पड़ रहा है। ऐसे 11 सीटों पर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ये इसलिए अहम है क्योंकि इन सीटों पर मुस्लिम आबादी काफी है और यदि बसपा कैंडिडेट कुछ वोट भी अपने समाज का ले गए तो चीजें बदल सकती हैं। बसपा की ओर से 11 कैंडिडेट उतारना इसलिए अहम है क्योंकि सपा ने उसके मुकाबले कम ही मुस्लिमों को मौका दिया है। यहाँ तक कि मुरादाबाद जैसी सीट से एसटी हसन का टिकट काट कर रुचि वीरिया को मौका मिला है। मुसलमानों के अलावा बसपा ने बड़ी संख्या में ब्राह्मण भी उतारे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को इससे नुकसान होता है और कौन बाजी मार ले जाएगा। जैसे बांदा की सीट से बसपा ने मयंक द्विवेदी को मौका दिया है। इसके अलावा अकबरपुर से राकेश द्विवेदी, मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, उन्नाव से अशोक पांडे, फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडे और बस्ती से दयाशंकर मिश्रा को टिकट मिला है। ये सभी सीटें ब्राह्मण बहुल हैं और यदि समुदाय का वोट मिला तो भाजपा को ही नुकसान पहुंचेगा। टिकट बंटवारे के अलावा बसपा जिस तरह भाजपा पर सीधे हमला बोल रही है उससे भी समीकरण बदलने की संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।